गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर द टाइम इज़। दिस इज़ लोकमान्य तिलक स्कूल, इंग्लिश लैंग्वेज, क्लास 4, चैप्टर 1। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ाई किया था पिछले लेक्चर में, पार्ट 1 में, इंग्लिश लैंग्वेज क्लास 4 चैप्टर 1 पार्ट 1 में। अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, पहले तो देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। हीरा लाइक्स टू प्ले विद द बॉल। हीरा जो है बॉल के साथ खेलना पसंद करता है। हीरा लाइक्स टू प्ले विद द बॉल। काजल इज अ गुड गर्ल। सैफ इज साइकिलिंग इन द पार्क। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच नेम्स अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्या होता है एक सेंटेंस का पार्ट, देखिए क्या लिखा है। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स अ पर्सन, जो कि पर्सन का को नाम करता है या किसी चीज का नाम करता है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट जो है शुरुआत में होता है। और प्रेडिकेट क्या होता है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो सेंटेंस का पार्ट बताता है उसके सब्जेक्ट के बारे में, वो प्रेडिकेट है। यानी देखिए पहले सेंटेंस में हीरा सब्जेक्ट है, कौन, हीरा, और लाइक्स टू प्ले विद द बॉल, यानी हीरा जो है बॉल के साथ खेलना चाहता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बारे में ये पोर्शन जो है वो बता रहा है कि बॉल के साथ वो खेलना चाहता है, तो लाइक्स टू प्ले विद द बॉल। उसी तरीके से काजल हो गया, काजल इज अ गुड गर्ल, काजल सब्जेक्ट हो गई और प्रेडिकेट क्या हो गई, काजल के बारे में कुछ बताया गया है, इज अ गुड गर्ल, ये प्रेडिकेट हो गया। सेम सैफ इज साइकिलिंग इन द पार्क, सैफ हो गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, साइकिलिंग इन द पार्क, वो प्रेडिकेट हो गया। इसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल सब्जेक्ट्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई, एरोप्लेन जो है वो हवा में फ्लाई करता है। प्लांटेड सम सीड्स इन द फ्लावर बेड। अब देखिए सेकेंड में सब्जेक्ट आपको भरना है, किसने प्लांट किया, प्लांटेड सम ट्री सीड्स इन द फ्लावर बेड। अपना नाम लिख दीजिए, अपने फ्रेंड का नाम लिख दीजिए, यानी रमेश लिख दीजिए, रमेश प्लांटेड सम सीड्स इन द फ्लावर बेड्स, हो गया। अब ये मेड द चिल्ड्रन लाफ इन द सर्कस। अब जब प्रेडिकेट पढ़ेंगे तो अपने आप सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। सर्कस में देखिए क्या लिखा है, मेड द चिल्ड्रन बच्चों को हंसाता है, मेड द चिल्ड्रन लाफ इन द सर्कस, कौन, द जोकर, ठीक है, या फिर जोकर को इंग्लिश में क्लाउन भी बोलते हैं, द क्लाउन या जोकर मेड द चिल्ड्रन लाफ इन द सर्कस। देखिए एक और है, कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, बिना पानी के नहीं रह सकते, कौन, कौन, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, इसीलिए बहुत सिंपल है ये। फिफ्थ वाला आप अपने से करिएगा। और सेकंड आते हैं, मैच द सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट, वही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मैच करना है। एक पहला किया गया है, द पुल, अब प्रेडिकेट पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट अपने आप समझ में आएगा। द पुलिसमैन, पुलिसमैन के बारे में क्या है, पुलिसमैन क्या करते हैं, चोर को पकड़ते हैं, कॉट द रॉबर। द टीचर किसने, पढ़ाती है, टॉट करती है, टॉट अस वेरी वेल, बहुत अच्छे से पढ़ाया टीचर ने। पेरेंट्स देखिए लव करते हैं, लव देयर चिल्ड्रन। शिप्स सेल करती हैं, सेल ऑन द सी। कैट अंधेरे में देख सकती है, कैन सी ऑन इन द डार्क, बहुत सिंपल है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, इज दिस मीराज डॉल, दिस इज मीराज डॉल, इज दिस साहिल्स कार, दिस इज साहिल्स कार। डू यू नोटिस दैट सम वर्ड्स मेक द क्वेश्चन एंड द आंसर। डू यू नोटिस दैट सेम वर्ड्स मेक द क्वेश्चन एंड द आंसर, यानी सेम वर्ड्स क्वेश्चन भी बना रहे हैं, आंसर भी बना रहे हैं, बस उनकी पोजिशन चेंज हो जा रही है। देखिए राजीव और पूजा का कॉन्वर्सेशन देखिए, इज दिस मीराज डॉल, तो इज इधर आ गया और दिस इधर चला गया, तो इंटरचेंज कर लिया, तो इज दिस मीराज डॉल, दिस इज मीराज डॉल, एक क्वेश्चन बन गया, एक आंसर हो गया। इज दिस साहिल कार्स, अभी इनकी इसकी पोजीशन चेंज कर लिए, इनकी दिस इज साहिल्स कार। इसी तरीके से पोजीशन इंटरचेंज करने पे क्वेश्चन बन जाता है।
देखिए फिर आगे ये लिखा है ये यहाँ पर, सो स्टेटमेंट्स कैन बी चेंज टू क्वेश्चंस यूजिंग द सेम वर्ड्स प्लेस्ड डिफरेंटली, अलग अलग जगह पे क्वेश्चन जो है वो रख दिए जाते हैं, तो वर्ड्स रख दिए जाते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाते हैं या आंसर बन जाते हैं। राज कैन रीड अ बुक, तो क्वेश्चन ये स्टेटमेंट है, अब इसको क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो कैन को बस इंटरचेंज कर देंगे, कैन राज रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क हो गया ये। तो क्वेश्चन कैन ऑल्सो भी, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन कैन ऑल्सो भी फॉर्म्ड बाय एडिंग डू डज और डिड, डू डज और डिड के साथ बनाने पे एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस लिखा है, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस में जरूर जोड़िए। शी लाइक्स सिंगिंग, इसमें लिख दी, देखिए डज शी लाइक सिंगिंग, यू लाइक सिंगिंग, डू यू लाइक सिंगिंग, दे लाइक सिंगिंग, डिड दे लाइक सिंगिंग। देखिए डिड क्यों यूज हुआ है, डिड पास्ट टेंस का हो जाता है और ये यहाँ पर लाइक्ड है ना, तो यानी पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के लिए डिड यूज कर लेते हैं और बाकी डू डज यूज करते हैं। और डू और डज किसके लिए यूज होता है, देखिए डू डज वेयर डू यू स्टडी, यू के साथ डू यू यूज होता है, और सिंगुलर के साथ डज यूज होता है, प्लूरल के साथ डू यूज होता है, लेकिन यू एक एक्सेप्शन है, यू एक सिंगुलर व्यक्ति है लेकिन उसके साथ डू यूज होता है। नहीं समझ में आया आपको, एक बार फिर से देखते हैं, डू हो गया, डज हो गया, डज किसके साथ, सिंगुलर, डू किसके साथ, प्लूरल, डू सिंगुलर के साथ, डू सॉरी प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ, और एक इसमें एक्सेप्शन है, यू, यू जो कि सिंगुलर है, एक व्यक्ति का है, उसमें डू यूज होता है, यानी एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है। ये चीज याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा रूल है। शी लाइक सिंगिंग, तो अब देखिए शी है, सिंगुलर है, तो डज यूज होगा, डज शी लाइक सिंगिंग, यू लाइक सिंगिंग, तो मैंने कहा था कि यू है तो सिंगुलर लेकिन एक्सेप्शन है, तो यू के साथ डू यूज होगा, डू यू लाइक सिंगिंग, दे लाइक सिंगिंग। अब चूंकि लाइक्ड है पास्ट है, इसलिए पास्ट में हमेशा डिड जाता है, तो डिड दे लाइक सिंगिंग। और अब देखिएगा एक फर्क और आया, यहाँ पर लाइक है, यहाँ पर लाइक्ड है, यानी क्वेश्चन में, यानी शुरुआत में दे लाइक्ड सिंगिंग और क्वेश्चन जो बनाया उसमें डिड दे लाइक सिंगिंग, LIKE। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि डिड ऑलरेडी पास्ट के लिए जब यूज कर लिया है हमने, तो दोबारा हम उसको लाइक्ड नहीं, पास्ट टेंस दोबारा नहीं यूज करेंगे, एक बार पास्ट टेंस का यूज हो गया तो दोबारा नहीं करेंगे। जैसे दे लाइक्ड सिंगिंग, अब डिड यूज कर लिया पहले से ही, तो अब आगे जो लिखेंगे वो लाइक ही लिखेंगे, लाइक सिंगिंग। देखते हैं, वेयर राइट क्वेश्चंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए व्हाई, हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, हाउ, इसका यूज करके आपको क्वेश्चन बनाना है, तो बहुत सिंपल है। वेयर वी लाइक टू गो फॉर अ मूवी, हमें मूवी देखने जाना पसंद है, तो इसका क्वेश्चन बनाएंगे। वेयर डू यू लाइक टू गो, देखिए यहां पर भी लाइक है, यहां पर भी लाइक है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। उमंग लव्स स्विमिंग,
अभी क्वेश्चन बना सकते हैं, हु लव्स स्विमिंग, क्वेश्चन मार्क हो गया। दे सैंग लाउडली, तो इसमें दो क्वेश्चन बना सकते हैं, हु सैंग लाउडली, दूसरा हाउ डिड दे। अब ये बताइए सिंग होगा कि सैंग होगा, सिंग होगा या सैंग होगा। देखिए यहाँ पर सैंग लिखा है, पास्ट है, तो यहाँ सिंग होगा कि सैंग होगा बताइए। मैंने बताया था ना पहले, जब डिड का यूज कर लिए तो दोबारा पास्ट टेंस नहीं यूज करेंगे, इसको काट देंगे, प्रेजेंट में चले जाएंगे। हाउ, क्योंकि ऑलरेडी डिड का यूज कर लिया है, तो हाउ डिड दे सिंग होगा। शिव लाइक्स बेकिंग केक्स, देखिए इसमें दो तरीके से बना सकते हैं, व्हाट डज शिव लाइक, और दूसरा हु लाइक्स बेकिंग केक्स। ये क्वेश्चन कॉपी में इसको करिएगा आप लोग। आई वाटर्ड द प्लांट्स, हु वाटर्ड द प्लांट्स, ही सॉ द थिएटर ऑन थर्सडे, when did he, अब बताइए see होगा या saw होगा। देखिए जब वही सेम रूल, जब did यूज हो गया तो next जो यूज होएगा वर्ब वो प्रेजेंट टेंस का होगा, ये see हो जाएगा, saw नहीं होगा। राइट डी एक्सरसाइज, राइट सूटेबल वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वन हैज बीन डन फॉर यू, व्हाट इज योर नेम, सेकंड डैश इज नॉकिंग एट द डोर, कौन नॉक कर रहा है, हु इज नॉकिंग एट द डोर, वेयर आर, हियर आर द टू बुक्स, विच वन इज योर्स, कौन सी इसमें है जो तुम्हारी है, विच वन, डैश डिड यू गो टू द फंक्शन, व्हेन डिड यू, तुम फंक्शन में गए थे, व्हेन डिड यू गो टू द फंक्शन, कब गए थे, How have you kept the keys? Where have you kept? आपने चाबियां कहाँ रखी हैं? इसको क्वेश्चन करिए। और ये दो मैंने आपके लिए कर दिया है। Dash when will the party begin? When will the party begin? Dash old are you? How old are you? ये आपको use क्वेश्चन बनाना है। Why, how, where, when इसका यूज करना है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगली एक्सरसाइज, अगला पोर्शन पढ़ेंगे। आप इसको करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए और सब्सक्राइब करिए लोकमान्य तिलक स्कूल यूट्यूब चैनल। टिल देन गुड बाय।